बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली कुरैशी का तमाम ग्रेड एट के स्टूडेंट्स को सलाम हो। आपके सामने आपकी इस्लामियात की बुक का टाइटल मौजूद है। आज हमने जो सबक पढ़ना है, रीड करना है, वजाहत करनी है, वो है हकूकुल इबाद। इसका मुख्तसर तारुफ, मुआशरे में रहने वाले हर फर्द के अमल का असर दूसरे अफराद पर होता है। घर में रहते हुए, खरीदो फरोख्त करते हुए, तालीम हासिल करते हुए, मुलाजमत करते हुए वगैरह, ये असर बाज़ औक़ात अच्छा होता है और बाज़ औक़ात बुरा होता है। इस्लाम अमन व सलामती का मजहब है और हर उस वजह और मुहर्रिक को मिटाता है जो फितना व फसाद का सबब बनता है। लिहाजा इस्लाम ने मुआशरे के हर फर्द पर दूसरे फर्द की कुछ जिम्मेदारियां आयद कर दी हैं, जिन्हें हकूकुल इबाद कहते हैं। हकूकुल इबाद की अदायगी से मुआशरे में हमदर्दी और मोहब्बत बढ़ती है और पुरसकून मुआशरा तश्कील पाता है। अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है और उसका शरीक ठहराने से मना फरमाया है, वहीं वालिदैन और रिश्तेदारों, यतीम और मुआशरे के गिर्द दीगर अफराद के हकूक की अदायगी का भी हुक्म दिया है। सूरह निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ, और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी और राहगीर अपनी बांदी गुलाम से भलाई करो, बेशक अल्लाह को पसंद नहीं कोई इतराने वाला और बड़ाई मारने वाला। यानी मतलब ये है कि रिश्तेदार हों, यतीम हों, मोहताज हों, करीबी हमसायेदार हों या दूर के हमसायेदार हों या दोस्त अहबाब हों जिनसे आपका ताल्लुक आता हो या नौकर चाकर हों, इन सब से अच्छाई करने का हुक्म दिया है। इसीलिए यतीमों के हकूक, यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसके वालिद का इंतकाल हो गया। ऐसा बच्चा उस वक्त तक यतीम कहलाता है जब तक बालिग ना हो जाए। चूँकि यतीम बच्चे इंतहाई मोहब्बत करने वाले और हकीकी सरपरस्त से महरूम हो जाते हैं, इसलिए कई तरह की मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। चुनाचे इस्लाम ने ऐसे बच्चों की अच्छी तरबियत, परवरिश और तहफ़ के सिलसिले में मुआशरे के दीगर अफराद पर 5 तरह के हकूक आयद किए हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1 हुस्न सलूक, नंबर 2 मोहब्बत और शफकत। हुस्न सलूक क्या है? यतीम बच्चे के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए ताकि वो अपने वालिद की कमी को महसूस ना करे। यतीम के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जिससे उसे राहत और खुशी महसूस हो। उसे अपनी औलाद की तरह चाहना, गलती करे तो नरम लहजे में समझाना, मुआशरे का मुफीद शहरी बनने में उसकी मदद करना, ये सब हुस्न सलूक के ज़ुमरे में आता है। नंबर 2 मोहब्बत और शफकत। यतीम का हक है कि उसके साथ मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। इस्लाम ने हमें यतीम को धुतकारने और नफ़रत भरी निगाहों से देखने से मना किया है। यतीम की इज्जत ना करने वालों और उनका एहसास ना करने वालों को कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर तंबीह की गई है। कुरान मजीद फरमाता है आरईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदउ अल-यतीम, भला देखो तो जो दीन को झुटलाता है तो वो वही है जो यतीम को धक्के देता है। नंबर 3 पर अगर हम आते हैं तो माली मुआवनत, जो शख्स यतीम की किफालत करता है और उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है उसे बरोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और कुर्ब हासिल होगा। साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत यानी परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जैसे 2 उंगलियां मिली हो। ये कहते हुए आपने शहादत और दरमियानी उंगलियों को आपस में मिलाकर इशारा फरमाया। नंबर 4 मुआशी तहफ़ुज़। मुआशी तहफ़ुज़ से मुराद ये है कि अगर उसके वालिद की मतरूका जायदाद है या उसके पास कोई और माल है तो उसके बालिग होने तक उसकी अच्छी तरह हिफाजत की जाए। यतीम का निगरान अगर मालदार है तो वो उसके माल में से कुछ नहीं ले सकता, और अगर गरीब है तो ज़रूरत के मुताबिक मुआवजा ले सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है वला तकरबू माल यतीमी इल्ला बिल्लती ही अहसनु हत्ता यबलुगा अश्शुद्दा, और यतीमों के माल के पास ना जाओ मगर बहुत अच्छे तरीके से जब तक वो अपनी जवानी को पहुँचे।
तालीम तरबियत पाँच नंबर पे आती है, तालीम तरबियत। यतीम का हक ये है कि उसकी बेहतर तरीके से परवरिश की जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला की इरशाद है कि और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं, तुम फरमाओ इनका भला करना बेहतर है। यतीम जिन लोगों की ज़ेरे कफालत हों उनको चाहिए कि उनकी तालीम और तरबियत की तरफ खसूसी तवज्जो दें। यतीम बच्चों को अपनी औलाद की तरह अच्छी तालीम दिलाएँ, उनको अच्छे अखलाक और आदाब सिखाए जाएँ, उनकी तरबियत में किसी किस्म की कोताही ना बरते, ताकि जो जवान होकर मुआशरे के अच्छे अफराद बन सकें। मोहताजों के हकूक क्या हैं? मोहताज से मुराद वो शख्स है जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो या जिसकी आमदनी उसके अखराजात की निस्बत बहुत कम हो। उनकी हालत ये होती है कि वो तन ढांपने के बंदोबस्त करते हैं तो खाने को कुछ नहीं रहता, और अगर खाने के लिए कुछ करते हैं तो तन ढांपने का मुश्किल हो जाता है। ऐसे ज़रूरतमंदों को फ़कीर मिस्कीन कहा जाता है। कुरान मजीद में अजीज़ व अकारिब के बाद मिस्कीन के हकूक़ की अदायगी का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो रिश्तेदारों को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। इस्लाम ने मसाकीन के जो हकूक़ मुकर्रर किए उनमें हुस्न सलूक और माली मुआवनत की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। चूँकि मसाकीन अक्सर औकात मुश्किलात और मसाइब का सामना करते हुए दुखी रहते हैं, इसलिए इन्हें हमदर्दी और हुस्न सलूक की ज़रूरत होती है। मसाकीन का मुआशरे के दीगर अफराद पर हक है कि उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया जाए, उनके साथ रहम दिली की जाए। जब मिस्कीन मिलने आए तो उसे तवज्जो दी जाए, उसकी बात को गौर से सुना जाए, उसे मुश्किलात से निकालने में उसका हाथ बटाया जाए। मालदारों पर यह फरीज़ा है कि ज़रूरतमंद की माली इमदाद करते रहें। अगर वो बीमार है तो उसका इलाज मुआलजा किया जाए, अगर मकरूज हो तो कर्ज से खलासी दिलाई जाए। गर्ज वो तमाम शरई ज़रूरियात जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं उनमें माली इमदाद की जाए। कुरान मजीद में मोहताजों की मदद करने को मोमिन बंदों की सिफात में शुमार किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्कुम मालूम लिस्साइली वल महरूम, और वो लोग जिनके माल में एक मालूम हक है उसके लिए जो मांगे और जो मांग भी ना सके तो महरूम रहे। सही बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मसाकीन की खबरगिरी करने वाला, काम करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है। माजूरों के हकूक। माजूरों से मुराद वो अफराद हैं जो किसी जिस्मानी कमज़ोरी या तकलीफ़ के बायस आम सेहतमंद इंसान की तरह काम ना कर सकते हों। आम तौर पर माजूर अफराद अपनी मजबूरियों की बिना पर ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। शरीयत इस्लामिया हमें माजूरों के साथ मुआशरती और मुआशी मैदान में तआवुन करने और उनका सहारा बनने का हुक्म देती है। माजूरी की बिना पर किसी मुसलमान को बेअलकाबात दुनिया बहुत बड़ा गुनाह समझती है। माजूर अफराद को इनके मकाम व मरतबे के लिहाज से काम सुपुर्द किए जाएँ और इन्हें एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाया जाए। कुतुब फ़िक्र में है कि ख़ानदान के मुफलिस रिश्तेदार अपाज और लाचार हों या माजूर और मफलूज, मजनून हों यानी पागल, नाबीनापन का शिकार हों, हाथ पाँव से मफलूज हों यानी माजूर हों, तो उनके अखराजात का जिम्मा ख़ानदान के दीगर मालदार रिश्तेदारों पर वाजिब होता है। माजूरों के लिए इबादत में भी सहूलत का ख्याल रखा गया है। मिसाल के तौर पर मस्जिद तक पहुंचने में दुश्वारी है तो उन पर जुमा और जमात लाजिम नहीं। मालदार हों मगर अपाज लाचार हों तो हज में हज बदल और रोज़ा में फिदिया की शक्ल रखी गई है। सूरह फतह में नाबीना पैरों से माजूर और मरीज़ के मुतल्लिक है कि इन पर जिहाद में शमूलियत लाजिम नहीं। अल्लाह ताला ने माजूर अफराद को अपने हकूक़ और इबादात में जो रियायतें अता की हैं वो बंदों के लिए तरगीब का दर्जा रखती है कि वो भी इनके साथ रियायत बरते और तंगी और परेशानी में इनका हाथ बटाएं। देखिए, इस पूरे सबक में जो बयान किया गया उसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत मुताहरा ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम जो हैं वो बंदों के हकूक़ अदा करें। एक बात याद रखें, अगर बंदों के हकूक़ किसी ने तल्फ़ किए तो जब तक उसको माफ़ नहीं किया जाएगा जब तक बंदा माफ़ ना कर दे। याद रखें, अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देता है लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा। क़यामत के दिन इंसान हकूक़ुल्लाह से तो जान छुड़ा लेगा अल्लाह की रहमत से, लेकिन हकूक़ुल इबाद से नहीं बच सकेगा। इसलिए दुनिया में रहते हुए हमें चाहिए कि बंदों के हकूक़ पहले अदा करें, बंदों के हकूक़ पामाल ना करें। अगर हमने बंदों के हकूक़ का ख्याल ना रखा, गरीबों फ़कीरों यतीमों मोहताजों का ख्याल ना रखा, तो फिर क़यामत के दिन फंसने के चांस ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हकूक़ुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।